हेलो फ्रेंड, मैं हूँ लक्ष्मी। आप सभी लोगों को मेरा यूट्यूब चैनल लक्ष्मी का स्टिचिंग चैनल में स्वागत है। एंड आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप सभी लोगों के लिए एक न्यू वीडियो, पेपर में ब्लाउज कटिंग। जी हाँ, आज मैं पेपर में ब्लाउज कटिंग करके आप सभी लोगों को दिखाऊंगी और बहुत ही ईजी तरीका आप सभी लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ एंड स्टेप बाय स्टेप शेयर कर रही हूँ। और आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ गाइस लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप देख पाएँ मेरा वीडियो। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं अभी ब्लाउज कटिंग करूंगी। इसी ब्लाउज के माप से पेपर में ब्लाउज कटिंग करूंगी, वो भी कटोरा कट ब्लाउज कटिंग करूंगी। तो ये रहा पेपर। अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ गाइस कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं पहले ब्लाउज का लंबाई नाप लेती हूँ। तो बैक साइड से मैं लंबाई को नापूँगी तो अच्छे से पता चलेगा जो ब्लाउज़ का लंबाई कितना है। तो इधर मैं ब्लाउज़ का लंबाई नाप ली हूँ, 14 इंच है, तो मैं 1.5 इंच ज़्यादा लूँगी, 15 इंच। सो गाइस, इधर मैं ले ली हूँ पेपर, तो पेपर को फोल्ड कर लूँगी। तो इधर मैं पेपर को फोल्ड कर ली हूँ और इधर से लंबाई लूँगी, तो 15.5 इंच मैं लंबाई लूँगी ब्लाउज़ के लिए। ब्लाउज़ का लंबाई 15.5 इंच लूँगी। तो आप लोगों के साथ मैं स्टेप बाय स्टेप शेयर कर रही हूँ ब्लाउज़ कटिंग। तो आप लोगों का थोड़ा भी अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ गाइस कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इधर मैं ली हूँ 6 इंच, शोल्डर में ली हूँ 6 इंच। तो इस तरीके से निशान लगा लेना है। और इधर मैं आर्म होल लूँगी 6 इंच, तो आर्म होल भी मैं 6 इंच ही लूँगी। तो इधर आप लोग देख सकते हो, तो इस तरीके से निशान लगा लेना है। अभी मैं सीना का नाप लूँगी। ब्लाउज का साइज है 44 साइज, तो आगे से सीना का नाप लूँगी। तो इधर से इस तरीके से नाप लेना है, 22 इंच का है, तो 22 44 इंच होता है, तो 44 का आधा होता है 22। तो इधर आप लोग देख सकते हो 22 आगे से ली हूँ, और 22 को हाफ कर लो 11 होता है। तो अभी हमें 11 इंच लेना है, तो ये रहा 11 इंच निशान लगाना है। तो आप लोगों के साथ मैं बहुत सिंपल तरीका शेयर कर रही हूँ ब्लाउज़ कटिंग। आप लोग भी इस तरीके से ब्लाउज़ कटिंग कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है, जो बिगनर है उन्हें बहुत ही आसान होगा। तो इधर 2 इंच मैं एक्स्ट्रा ले रही हूँ सिलाई के लिए। अभी आर्म होल में निशान लगाऊँगी 1 इंच का, फ्रंट का साइड 1 इंच और बैक साइड 1.5 इंच का निशान लगा दूंगी इस तरीके से। तो अभी नीचे से ऊपर 3 इंच का निशान में मैं इस तरीके से गोलाई कर दूंगी। तो आप लोग देखते रहिए, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरीके से हमें निशान लगा देना है। और अभी हमें लेना है कमर का नाप, तो कमर का नाप है 19 इंच, तो 19 इंच को हाफ कर लो, 9.5 होता है, तो इस तरीके से हाफ कर लो, 9.5 होता है। तो आप लोग भी इस तरीके से ब्लाउज में नाप के कटिंग करोगे, बहुत इजी होगा आप लोगों के लिए भी। तो इधर से 9.5 इंच में निशान लगा लेना है कमर। तो इधर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, 9.5 इंच में निशान लगाना है और 2 इंच सिलाई के लिए रखना है। 2 इंच तो नहीं चाहिए लेकिन कपड़ा एक्स्ट्रा हमें रखना पड़ता है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अभी हमें ऊपर से नीचे तक निशान लगा लेना है।
अभी हमें फ्रंट साइड का नेक का नाप लेना है, तो ऊपर से लेकर यहाँ तक लेना है। इधर आप लोग देख सकते हो 6.5 इंच का नाप लेना है हमें, क्योंकि 1/2 इंच ऊपर सिलाई में जाएगा फिर नीचे सिलाई में जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 6.5 इंच। तो इधर मैं फ्रंट साइड का जो गला का नाप है तो 2.5 इंच कट करूँगी ऊपर का। तो इधर आप लोग देख सकते हो 2.5 इंच कट करना है। और अभी हमें फ्रंट साइड का नेक का कट करना है। लंबाई नेक का लंबाई 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच में मैं निशान लगाई हूँ। और नीचे भी 2.5 इंच करना है, ऊपर 2.5 इंच नीचे भी 2.5 इंच है, दोनों को बराबर से निशान मिला लेना है और 1/2 या 1 इंच में गोलाई बनाना है। तो इस तरीके से गोलाकार कर देना है। अभी मैं क्रॉस पट्टी के लिए निशान लगाऊंगी। इधर 4 इंच ली हूँ क्रॉस पट्टी के लिए, यानी कि कमर बेल्ट जो होता है ब्लाउज में, कमर का बेल्ट क्रॉस पट्टी। तो 4 इंच का निशान आगे लगाई हूँ और आगे की तरफ 4 इंच का निशान लगाई हूँ। और अभी 3.5 इंच का निशान इस तरफ लगाना है और इस तरीके से निशान लगाना है और इस तरीके से बराबर से लाइन खींच देना है। ये क्रॉस पट्टी है ब्लाउज का, ब्लाउज में जो पट्टी होता है वही पट्टी है क्रॉस पट्टी। और अभी हमें कटोरा का नाप लेना है, तो ये सिलाई से यहाँ तक कटोरा का नाप लेना है। तो ये जो ब्लाउज का कटोरा का नाप है 6 इंच, तो 6 इंच लेना है। अभी हमें कटोरा का नाप इधर निशान लगाना है, 6 इंच मैं निशान लगाई हूँ। तो इधर आप लोग देख सकते हो 6 इंच, तो 6 इंच मैं निशान लगाई हूँ। और इधर से 2.5 इंच लेना है, आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच मैं निशान लगाना है और नेक के तरफ 2.5 इंच आर्म होल की तरफ से 2.5 इंच निशान लगाई हूँ और नेक की तरफ से 1/2 इंच का निशान लगा देना है। तो इन निशानों को इस तरीके से ज्वाइन कर देना है, हमारा जो ब्लाउज का कटोरा है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से निशान लगा देना है। अभी मैं पेपर में ब्लाउज कटिंग करूँगी, जो निशान लगाई हूँ इसे कटिंग कर देती हूँ फिर दिखाती हूँ। सो गाइस, इधर मैं पेपर में ब्लाउज कटिंग कर ली हूँ, तो आप सभी लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो चलिए और भी कटिंग करना है, अभी बाजू कटिंग करना है, तो उससे पहले कटोरा को फिर से मुझे कटिंग करना है। तो चलिए, और ये है बैक साइड का, आप लोग अपने हिसाब से बैक साइड का नेक कटिंग कर सकते हो। सो गाइस, हमें अभी फिर से ब्लाउज का जो कटोरा है उसे फिर से कटिंग करना है। पहले हमें इस तरीके से ब्लाउज का जो कटोरा है कट की थी उससे निशान लगा लेना है दूसरा वाला पेपर में, तो इस तरीके से निशान लगा लेना है, अभी फिर से कट करना है। और इधर जो ब्लाउज का जो कटोरा का माप था 6 इंच, तो उसका 1/2 होता है 3, तो 3 इंच में हमें इस तरीके से निशान लगा लेना है और 1.5 इंच तक नीचे की तरफ निशान लगाना है। इधर इस तरीके से 1.5 इंच हमें निशान लगाना है इस तरफ और बराबर, और इस तरफ भी हमें 1.5 इंच निशान लगाना है और इस तरफ भी 1.5 इंच निशान लगाना है, क्योंकि इसमें स्टिच होगा 1-1 इंच का, तो इसी वजह से 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। तो इस तरीके से हमें निशान को मिला लेना है। ऊपर की तरफ से थोड़ा सा बढ़ाई हूँ और इस साइड भी हमें इस तरीके से निशान लगा देना है। और इधर मैं फिर से कटिंग कर ली हूँ कटोरा को, और अभी हमें कटिंग करना है ब्लाउज का बाजू। तो मैं ब्लाउज का जो बाजू है 6 इंच का है, तो मैं 7 इंच ले रही हूँ लंबाई, तो 7 इंच इसलिए ले रही हूँ क्योंकि 1/2 इंच स्टिच हो जाएगा, तो इसी वजह से 7 इंच का लंबाई ले रही हूँ, बाजू का लंबाई ले रही हूँ 7 इंच। तो इधर मैं ले ली हूँ 7 इंच, निशान लगा दी हूँ 7 इंच में। और इधर जो गोलाई है बाजू का 6 इंच है,
तो 6 इंच में निशान लगाना है, तो इस तरीके से 6 इंच में निशान लगाना है और 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, 1.5 या 2 इंच आप ले सकते हो। तो मैं 2 इंच ली हूँ और ऊपर की तरफ हमें 2.5 इंच बढ़ा देना है, और इधर आप देख सकते हो 2.5 इंच में बढ़ा दी हूँ ऊपर की तरफ, और अभी हमें इधर 1 इंच निशान लगाना है और इस तरीके से गोलाकार कर देना है बाजू का, तो इस तरीके से कर देना है और निशान इस तरीके से लगा देना है, और इधर थोड़ा 1/2 इंच अंदर की तरफ से निशान लगाना है, तो इस तरीके से अंदर की तरफ से 1/2 इंच निशान लगा दी हूँ, और अभी मैं कट करूँगी बाजू। तो इस तरीके से कट कर लेना है और अंदर की तरफ से 1/2 इंच जो निशान लगाई थी उसे भी कट कर दूंगी, तो इस तरह से दोनों बाजू को बराबर करके इस तरीके से अंदर की तरफ से कट कर लेना है। तो इधर हमारा ब्लाउज कटिंग होके रेडी हो गया है। सो गाइस, आज का वीडियो आप सभी लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा, एंड मैं मिलती हूँ आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।